अच्छे बने माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ मैंने पहना नहीं तो मैंने छोड़ दो। ये मैदा के क्यों रखा है? टेस्ट करने के लिए। हाँ कैसा है? खाना थोड़ा यार। कैसा है? अबे पूछो तो खाने दे यार। बहुत टेस्टी है। बंद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको चिकन नगेट्स बनाना बता रहे हैं जो बच्चों को ज़्यादा पसंद है। बड़े भी अपना काम चला लेते हैं लेकिन बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैं बता रही हूँ आपको जो पैकेट में मिलते हैं उस स्टाइल से बता रही हूँ मैं। इसके लिए मैं एक कप दूध का लूँगी। ये देखें ये एक कप ये दूध का लिया मैंने और इसके अंदर आधा कप मैं पानी का डालूँगी। आधा कप पानी का डाला बस। 5 मिनट इसको बॉयल दूँगी। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। अच्छा 5 मिनट इसको बॉयल। ये बस 5 मिनट बॉयल होते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद बताती हूँ बॉयल होने दो। ये 4 मिनट ही करना था इसको खाली। अब मैं इसको ये जो इसका पानी है ना ये नहीं डालूँगी खाली। इसको रिमूव करके ये डाल दूँगी इसको। और इसको ये मैंने आधा किलो चिकन ली थी और इसमें एक कप दूध का आधा किलो आधा कप पानी का मिलाया था मैंने। ये ना बस इसको मैं इसको कवर कर दूँ जल्दी से ताकि जल्दी हो जाएगी। सिर्फ 3 मिनट इसको पकाएंगे। ये देखिए 3 मिनट में इसका कलर चेंज हो गया है। सही है। अभी हम इसको निकाल के और खुशक कर लेंगे। तो बस कलर चेंज करना है खाली बस इतना। ये दूध में और ये दूध बाद में डिस्कार्ड कर देंगे किसी जगह पे। गटर वटर में नहीं गिराएंगे नाली में नहीं गिराएंगे क्योंकि इसमें दूध मिक्स है। इसको तो किसी कच्ची जगह पर डाल देंगे मिट्टी में। अब ये ठंडा हो जाए फिर मैं आगे का आपको प्रोसीजर बताती हूँ। अब ये हो गया ठंडी हो गई ना। ये ठंडा हो गया सही है। अब इसके अंदर ये 2 पीस ब्रेड के डालेंगे। ये 2 पीस ब्रेड के डालेंगे लेकिन इससे पहले हम इसके किनारे काट लेंगे। ये बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल के बता रही हूँ मैं। जो घर में बनाते हैं ना वो वाला नहीं बता रही मैं। हम भी घर में दूसरे स्टाइल से बता देते मतलब वो हम लोग फ्रोज़न नहीं करते थे फ्रीज नहीं करते थे बस बना लिया और फ्राई कर लिए। ये जो बता रही हूँ ये मैं आप फ्रीज कर सकते हैं 6 महीने तक ये ख़राब नहीं होंगे किसी तरह भी। तो इसलिए तो इस टाइम पर ये डाल दिए 2 पीस लिए हैं ये खाली बस। ठीक है। अच्छा इसके अंदर हमें अभी 1/2 टीस्पून मैंने लहसुन का लिया। इसमें अदरक नहीं डलेगी सही है। लहसुन का 1/2 टीस्पून लिया है मैंने। ये नमक का 1 टीस्पून है। काली मिर्ची भी मैंने 1/2 टीस्पून है। ये सही है। काली मिर्ची नहीं वाइट वाली मिर्च वाइट पेपर काली मिर्ची नहीं डाली मैंने इसमें वो अभी मैं बताती हूँ। 1/2 चम्मच काली मिर्च का भी लेना है। 1/4 काली मिर्च 1/4 चम्मच काली मिर्च का। ये देखें स्पून देख लें। पेपरिका कलर के लिए लेना है हमें 1/4 सिर्फ कलर डालने के लिए। अच्छा अब मुझे सोया सॉस डालना है तो वो मैं डालूँगी इसमें चिकन डालने के बाद। ये ना
दो पीसेस का डाल दूंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही बनेगा ये, ज़्यादा नहीं बनेगा ये। ऐसे ही रखना है हमको। नहीं, मोज़रेला भी डालना था ना यार। हाँ, मोज़रेला, ये मोज़रेला नहीं है, चेडर चीज़ें, तो ये आधा मैंने डाल दिया और इसमें ये मोज़रेला डाल दिया, सही है। तो इसमें दो तीन ड्रॉप डालना है बस, और दो तीन ड्रॉप उसमें डालूँगी तो आधा टीस्पून हो जाएगा ये। तो अच्छी तरह ये मिक्स कर लेंगे हम ऐसे, क्योंकि ये किसी के अंदर चीज़ है किसी में नहीं है, एक साथ नहीं पीसा है हमने, थोड़ा थोड़ा करके पीसा है, हमारी मशीन छोटी थी इस वजह से, तो हम इसको हाथ से ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब हम बता रहे हैं आपको नगेट्स बनाना। ऐसे इतना लिया ये हाथ में, थोड़े बड़े बनाएंगे भाई, अपने बच्चे खाएंगे। अगर ये हाथ में ऐसे चिपके, बड़े बड़े बनाओ, हमें कोई बेचने थोड़ी, हमारे बच्चे खाएंगे ये घर में। ये देखें ऐसे नगेट्स का शेप देंगे ये इस तरह। इस तरह मैं रखती जाऊंगी और आपको अभी पूरे बना के मैं दिखा देती हूँ। ये ऐसे ये सारे नगेट्स बना लिए, देखिए शेप दे दिया मैंने नगेट्स का। अब इसका आगे का प्रोसीजर जो है मैं बता रही हूँ, अब फ्राई करने के लिए। ये इसमें एक अंडा ले लिया मैंने और एक टीस्पून मैदे का लूँगी, ये एक टीस्पून मैदे का ले लिया भर के, ये रहा बस। अच्छा, इसके अंदर अभी हम ये रहा हाफ टी स्पून के बराबर ये पिंक सॉल्ट डालेंगे, नमक डालेंगे, वाइट या ब्लैक कोई सा भी होगा। अच्छा, इसके अंदर वाइट पेपर यानी कि काली मिर्चें नहीं, सफ़ेद मिर्चें जो होती हैं वो हाफ टी स्पून के बराबर बस, बल्कि और कमी डालूंगी क्योंकि बच्चों को कहीं ज़्यादा ना लगे बस। अब इसको हम और इसके अंदर दो टेबल स्पून दूध के डाल देंगे, एक दो बस। अब इसको मैं बीट कर दूंगी, तरह फेंट लिया ये मैंने, सही। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको देखें, इसका प्रोसीजर जो है ना वो ये है, ये ताकि सभी इसके अंदर आ जाए, ये देखें ये सब इसके अंदर डाल दिया ये, सही, ऐसे डाल दिया। अब ये जो हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं, ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये मैंने घर में बनाए थे तो इसलिए थोड़े से ये मोटे हैं। अभी इसको हमें ना पतले कर लेंगे, बारीक कर लेंगे, थोड़ा सा बारीक कर लेंगे ये ऐसे, क्योंकि ये मैंने घर में ब्रेड के बनाए थे मैंने। अभी ऐसे करके ये देखें इसके अंदर दूध, इसमें जो मैंने दूध अंडा जो लिया है ये मैदा सब कुछ इसके अंदर भिगो दूँगी, ऐसे करके ये मैंने पीस लिया ये सब, बस ज़्यादा नहीं लगाना कुछ भी, ऐसे करके ऐसे डाल दिए रख दिए। और अगर इसको पैक करने हैं, फ्रीज़र करने हैं, तो ये आराम से हो जाएंगे। इसमें से लेके इसको डालेंगे, इसको
बस ये आ गया। एक हाथ से ये लेंगे, एक हाथ से इसको करेंगे, नहीं तो मैदा चिपक, ये ब्रेड क्रम्स हाथ में लग जाएंगे सारे, शेप खराब हो गया इसका। देखिए बिल्कुल नहीं टूटेंगे फूटेंगे, कुछ नहीं होंगे ये इसके अंदर ना, डिजॉल्व होंगे, इतने अच्छे बनेंगे। और इस तरह बनाएंगे ना तो ये ख़राब भी नहीं होंगे। फ्रीज़ कर दें, फ्रीज़ करके ये कितने दिन तक भी रख सकते हैं इसको, क्योंकि ये हमने बॉयल करके इसका पानी जो होता है वो ख़त्म कर दिया, इसका जो चिकन का पानी होता है ना वो। चलो अभी मैं आपको चूल्हा जल रहा थोड़ा ऑन करो उसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सिलो सिलो के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कारोबार शुरू कर लो यार इसका, इसका तो कारोबार शुरू कर लें कसम से, आप लोग थैलियों में पैक कर करके बेचें, आराम से बिकेंगे, आराम से जाएंगे। चिकन नगेट्स तैयार हो गए, फ्राई करके दिखा दिए हमने आपको। आप इसको अगर आपको फ्रोजन करने हैं तो बग़ैर फ्राई के ही इसको फ्रीज़ कर दें, ये 6 महीने तक ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हमने बॉयल करके करे हैं ये। इस ये ना इसमें कोई केमिकल है, इसलिए ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए अच्छे हैं। अब आप लोग इंजॉय करें और मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें, वो बग़ैर पैसों का होता है सब्सक्राइब, खाली एक क्लिक करना होता है 1 सेकेंड के अंदर। तो आप मेरे साथ साथ और लोगों को भी सब्सक्राइब करें, उनकी भी हौसला अफज़ाई करें और मेरी भी हौसला अफज़ाई करें। तो सब्सक्राइब करने के अंदर कोई मेहनत नहीं लगती है, जितनी देर में आप लोग वीडियो देख के खुश होते हैं 1 सेकंड में मुझे सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।